अच्छा जी, अल अज़हर मस्जिद में नमाज़ जुमा अदा करने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं अल अज़हर जामिया यूनिवर्सिटी या फिर अल अज़हर यूनिवर्सिटी जो है उधर हम जा रहे हैं वहाँ, और इंशाल्लाह वहाँ जाके देखते हैं कि क्या सीन है, क्या कुछ होगा उधर, और उसकी भी मैं सारी डिटेल वगैरह जो है वो उसके जो मनाजर हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अभी हम ये रोड के साथ इन्होंने बिल्कुल चलने के लिए पैदल जगह बनाई हुई है, तो इंशाल्लाह ये हम लोग जो है इधर ही वॉक करके तो उस तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ जा के फिर बाकी के मनाजर भी मैं आपको दिखाता हूँ इंशाल्लाह, और देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा फेमस और बहुत पॉपुलर है, तो इंशाल्लाह उसके बारे में भी देखते हैं, बात करते हैं कि क्या सीन है वहाँ के। अच्छा जी, फाइनली हम जो है वो अल अज़हर यूनिवर्सिटी में पहुंच चुके हैं। ये मेरे पीछे जो दरवाज़ा देख रहे हैं आप, ये यूनिवर्सिटी का ही है, लेकिन पता चला है कि ये क्लोज़ हो चुकी है, ये फ्राइडे वाले दिन क्लोज़ होती है, और हम तो बड़ी दूर अपने होटल से आए हैं, और अब हमें ये जो है ना फालतू का चक्कर पड़ गया। अब हम अल हुसैन मस्जिद जो है वो दूसरी तरफ है, वो बता रहे हैं कि वो ओपन है, तो अब हम चलें उधर चलते हैं। ये तो बैड लक हो गया कि देखा ही नहीं गया, और हमें पता भी नहीं था कि ये फ्राइडे को जो है ये बंद होती है, तो बाकी चलें अब आगे दूसरी तरफ चलते हैं, उसका नज़ारा क्या है और क्या अपडेट्स हैं वहाँ की वो भी इंशाल्लाह जाके वहीं पे ही पता चलेगा। असल में यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, यहाँ के लोगों को इंग्लिश बहुत कम आती है, सारे अरेबिक बोलते हैं, तो कहीं पे ट्रांसलेशन काम नहीं करती, तो 100 तरह के मसले मसाइल बन रहे हैं, तो बाकी एनीवेज कोई मसला नहीं, खैर है ये भी चलें पता चल गया, तो अब हम चलते हैं अल हुसैन जामिया मस्जिद जो है उधर, और उसके बाद जाके वहाँ के नज़ारे आपको दिखाते हैं अगर वो ओपन हुई तो। अच्छा जी, अभी हम जो है ना मस्जिद अल हुसैन में आ गए हैं, ये खुली हुई थी लेकिन वो दूसरा जो यूनिवर्सिटी थी अल अज़हर वो बंद थी, आज फ्राइडे को क्लोज़ होती है, हमें पता नहीं चला बस, लेकिन हम यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है भाई साहब, बहुत ज़्यादा रश है, और यहाँ पे जो है ना ये निज़ाम है, और वो एंट्रेंस गेट है मेरे पीछे, ठीक है, तो अभी हम जा रहे हैं वहीं पर और वहाँ जा कर फिर देखते हैं कि क्या करना है। बड़े ज़्यादा लोग हैं यार, मैं जब से इधर इजिप्ट में आया हुआ हूँ तो मुझे यहाँ पे सिर्फ जो है वो ज़्यादा लोग नज़र आए हैं, इसके अलावा मैंने को आई थिंक इतने ज़्यादा लोग एक जगह पे किसी पे भी जगह पे नहीं देखे ऐसे, तो बाकी चलिए अब अंदर चलते हैं और इंशाल्लाह देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्या सीन है, ठीक है, मैं आपको भी दिखाता हूँ आज। अच्छा जी, फाइनली अभी हम अल हुसैन मस्जिद के अंदर आ गए हैं और यहाँ पे बड़ी खुदाई बैठी हुई है, ये नीचे मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं, और अभी हम हमें खुद कुछ अभी समझ नहीं आ रही कि अभी हम क्या करें, लेकिन कोई देख रहे हैं कि कहाँ से और अंदर जाने का क्या रास्ता है, क्या सीन है, तो बाकी अब चलें देखते हैं जाके अंदर के क्या होता है क्या नहीं, और क्या स्पेशल चीज़ें हैं यहाँ पर, और चलें एक रास्ता मिला तो है, अभी हम वहाँ चलते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं आगे, आ जाएं मेरे साथ। अच्छा जी, अभी इस वक्त हम मस्जिद अल हुसैन के अंदर मौजूद हैं और मेरे पीछे लोग देख सकते हैं आप, नमाज़ पढ़ रहे हैं, कुरान पाक पढ़ रहे हैं, आराम कर रहे हैं, लेटे हुए हैं, सो रहे हैं, और नमाज़ जुमा अभी यहाँ पे अदा की है हमने, मस्जिद अल अज़हर में नमाज़ जुमा अदा की थी, और ये मस्जिद जो है वो 1154 में जो है वो पहली दफ़ा तमीर हुई थी, फिर उसके बाद 1874 के अंदर जो है इसको दोबारा से तमीर किया था, तो मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन ये वहाँ पर एक दरवाज़ा है, लोग अंदर ज़ियारत के लिए भी जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह अगर हमें मौका मिलता है तो इंशाल्लाह मैं अंदर जाके वहाँ की भी वीडियो दिखाता हूँ आपको, और मस्जिद की भी मैं वीडियो दिखाता हूँ, मस्जिद अल हुसैन की आप वो भी देखिए, माशाल्लाह से बहुत प्यारी बहुत खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है, तो ये चीज़ भी आप देखें, उसके बाद हम यहाँ से हमने जाना है गुजर के, और ये इंशाल्लाह हम अंदर जाएँगे अगर हमें जाने दिया उन्होंने, तो वैसे तो लोग जा रहे हैं,
तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमें भी रोकेंगे नहीं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ की भी वीडियो आपको दिखाता हूँ, उसके बाद अंदर जाके अगर मौका मिलता है तो वो भी वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें देखें एक बार ये नज़ारा चेक करें, माशाल्लाह। अच्छा जी, अभी हम दरवाजे से अंदर जाने लगे हैं और आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह। चलिए अभी हम अंदर ज़्यारत करेंगे, यहाँ से ये दरवाज़ा है, अब हम बाहर जा रहे हैं यहाँ से। और अल्हम्दुलिल्लाह से हमने ज़्यारत भी की, फातिहा भी बोल कह दिया उधर, और उसके बाद जो है ना हम अभी वहाँ से बाहर निकल आए हैं। वहाँ से हम अंदर दाखिल हुए थे और इधर अभी तक लोग ऐसे ही जो है वो बैठ के कोई नींद पूरी कर रहा है, कोई जो है उसके बाद आराम कर रहे हैं, कुछ कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं के नीचे, तो सब अपने अपने में मगन हैं और मस्जिद के अंदर बैठे हुए हैं। तो चलें ठीक है, अब हम ज़रा यहाँ से बाहर जा रहे हैं और आगे जो कुछ भी होता है इंशाल्लाह वो आपको दिखाते हैं। मस्जिद से बाहर आते हैं यहाँ पे हमने अपने शूज़ जो थे वो रखवाए थे और एक टोकन देते हैं जैसे वो हमारे पाकिस्तान में होता है। ये गेट है और साथ ही यहाँ पे शूज़ हैं और अभी ये हमें शूज़ मिल गए हैं और अब हम शूज़ पहन के आगे या तो हम अपना वापस होटल में चले जाएँगे अब, या फिर अगर कोई जगह और नज़दीक है डिस्कवर करने वाली तो हम इंशाल्लाह वो जो है वो भी डिस्कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलें अब देखते हैं आगे क्या होता है। चलें जी, मस्जिद का विज़िट कर लिया हमने अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी ये साथ हमारे जो है ये कोई बता रहे हैं कि खान अल खलील बाज़ार है और वो पीछे भी जो है वही मार्केट आ रही है और यहाँ पे भी जो है सारा लोग इधर हैं, खान अल खलील बाज़ार अब जो है ना ये साथ ही है बिल्कुल मस्जिद के, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे हैं, बड़ी खुदाई है यहाँ पे, ये पता नहीं सेब है या क्या है, तो बस महफिल लगी हुई है इधर बहुत सारी, लोगों ने ये सारा वो जो चने और मतलब फुल मार्केट टाइप माहौल बना हुआ है यहाँ पे जैसे आम बाज़ार में होता है। तो चलें आप भी थोड़ा सा बाज़ार देख लीजिए और इसके बाद हमने या तो होटल चले जाना है या फिर सलाहुद्दीन वो जो अयूबिया का किला है मैं भी वहाँ चले जाएँ, तो टाइम पे डिपेंड करता है, अल्लाह खैर करे, देखते हैं कि क्या करना है। तो थोड़ा सा बाज़ार आप भी विज़िट कर लें, मैं भी देख लूँ और उसके बाद फिर चलते हैं कहीं और, ठीक है। आ जाए जी, फाइनली हमने मस्जिद अल हुसैन को विज़िट कर लिया और अभी हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग यहाँ से वापस अपना होटल के लिए चले जाएंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है बाहर और मस्जिद अल अज़हर जो है वो बंद है और सलाहुद्दीन अयूबिया का जो किला है वो इंशाल्लाह वो और मस्जिद अल अज़हर हम दोनों कल विज़िट करेंगे और अभी हम यहाँ से वापस होटल जा रहे हैं और वहाँ इंशाल्लाह हम जाके कुछ अपना खाना पीना खाते पीते हैं, देन उसके बाद इंशाल्लाह जो है वो रात हो जाएगी तो फिर रात का कुछ मंज़र देखेंगे बाहर जाके। लेकिन ये वाला जो व्लॉग है ये इंशाल्लाह अभी हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो काइंडली इसको लाइक जो है वो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलें अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं वापस और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।